हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कटहल के कबाब। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये 500 ग्राम कटहल लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसका बीज मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे कुकर में उबालेंगे। इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और इसको धीमी आंच पर एक सीटी आने तक उबाल लेंगे हम। ये देखिए, एक सीटी हमारी आ गई है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। हम चेक कर लेते हैं कटहल हमारे गल गए हैं कि नहीं गले हैं। कटहल हमारा गल चुका है। अब हम इसे एक चलनी में निकाल लेंगे जिससे इसका पानी सारा निचोड़ जाए। देखिए, मैंने सारा कटहल निकाल लिया है और उसे इसी चमचे से दबाते दबाते उसको प्रेस करते हुए सारा पानी निचोड़ लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक कटहल हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम गैस पे एक पैन चढ़ा के उसका कबाब का डो तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम हींग डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे अभी। अब हम इसमें आधी कटोरी बेसन डालेंगे। 500 ग्राम कटहल में मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, बेसन का कलर चेंज हो गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच भुने जीरे का पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे लगने ना पाए। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का दरदरा कटा हुआ पेस्ट डाल देंगे। आप अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन को भी डाल सकते हैं इसमें पीस के। अभी देखिए, कटहल को अच्छे से खूब मैश कर लिया था मैंने, वही ठंडा हो गया है। अब हम इसको बेसन के उसमें मिश्रण में डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे और मैंने कुछ पुदीने की पत्तियों को काट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। फिर हम इसमें आमचूर डाल देंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। एक डो की शक्ल में इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमारा मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे हाथ को। अब इसकी छोटे छोटे कबाब बनाएंगे हम। पहले ऐसे राउंड राउंड करते हुए गोल शेप में बना लेंगे। फिर हम इसे हाथों से चपटा कर लेंगे। देखिए, मैंने कबाब बना लिए, एक कबाब मैंने बना लिया है। इसी तरह से हम अपने बाकी के कबाब बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस हम लो रखेंगे अभी। फिर हम इसमें सारे कबाब डाल देंगे और इसे अच्छी तरह सिकने देंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, तो मैंने इसे सैलो फ्राई किया है।
अब इसे हम अच्छी तरह सिकने देंगे धीमी आंच पे। ये देखिए हमारा एक तरफ से कबाब सिक गया था तो मैंने पलट दिया है, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है गोल्डन कलर। इसे धीमी आंच पे ही हम सेकेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं, अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। इसको हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कबाब बनके तैयार है। इसे मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।